पहले तो मैं सभी महिलाओं को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। देखिए, ये हमारी संस्कृति और सौभाग्य का प्रतीक है और महिलाएं बड़ी उत्सुकता से इस व्रत का जो है इंतजार करती हैं और बड़ी उत्सुकता से चांद की रात को चांद की का इंतजार करती हैं, कब चांद निकलेगा, उसको अर्घ देंगे और हम जल ग्रहण करेंगे। तो पूरा दिन ही उनका इस हर्षोल्लास में निकल जाता है, आराम से, उन्हें ध्यान भी नहीं रहता कि हमने सारा दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं है। इस तरह का घर में खुशनुमा माहौल रहता है। तो ये व्रत जो है हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह उठ के तो पहले सरगी की जाती है इस व्रत में, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके नए वस्त्र धारण करके, नई चूड़ियाँ जो हमने श्रृंगार का सामान लिया वो सब धारण करके, उसके बाद हम सभी महिलाएं मिलकर बैठती हैं और कथा सुनती हैं, करवा माता की कथा सुनते हैं। करवा चौथ, करवा मतलब मिट्टी का बर्तन और चौथ मतलब आज दिन जो है चौथ का दिन है, इस दिन ये व्रत आता है। तो कथा सुन के उसके बाद सूर्य को अर्घ देते हैं पूजा करने के बाद, और फिर सारा दिन पूजा पाठ में निकल जाता है। शाम को जब चांद देवता निकलते हैं, चांद को अर्घ दे के, तब वो भोजन ग्रहण करती हैं, जल ग्रहण करती हैं। इस तरह से करवा चौथ का व्रत जो है वो पूरा होता है। हमने सुबह जो है सरगी करी और उसके बाद अभी पूजा करी है करवा माँ की, और शाम को हम चांद देख के व्रत खोलेंगे। मेरा पहला करवा चौथ है और मैं इस व्रत को लेके बहुत खुश थी, खुश हूँ अब भी। और रात को चांद देख के हम अपना करवा चौथ का व्रत खोलेंगे। और बहुत ही जैसे निर्जला व्रत होता है, ये मुश्किल तो होता है लेकिन हमारे अंदर खुशी इतनी है कि हम जो है इस व्रत का चांद का इंतजार करेंगे रात तक, तो हमें इतना पता नहीं लगता कि हम भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, ऐसा कुछ हमें महसूस नहीं होता है। हम अपना व्रत शाम को, रात को पूरा, अपने पति की लंबी उम्र के लिए हम अपना ये व्रत रखते हैं। अपने पति की जो लंबी उम्र होगी, उनके काम में वृद्धि होगी, बस इसलिए हम अपने पति की खुशी के लिए ये व्रत रखते हैं, अपनी खुशी के लिए रखते हैं।